वही ग्वालियर के इंद्रगंज थाना क्षेत्र स्थित खूबी की बचरिया में रहने वाले हरीश निगम ने अपनी पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकारी नौकरी जाने के बाद पत्नी उनके साथ लगातार मारपीट करती रही है। वहीं उनकी शिकायत पर पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं उनके भाई बहनों को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी नहीं लेने दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए हरीश निगम ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन को न्याय की गुहार लगाई है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि पुलिस उसका सहयोग ना करे, जो गैर कानूनी रूप से उसका सहयोग कर रही है और मुझे परेशान कर रही है, नहीं तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। मेरे पास इसके अलावा तलाक की एक न्यायालयीन प्रक्रिया है, तलाक तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मेरे पास साक्षी इतने हैं, तलाक मुझे मिल जाएगा। और न्यायालय में भी जो केस चल रहा है उसमें कोई ना कोई कार्रवाई होगी होगी, वो तो फिर न्यायालय में मेरे को पूरा भरोसा है। अभी हमारा जो भाई बहनों के बीच में सेशन कोर्ट से जो फैसला हुआ है, मैं अपना उनका हिस्सा उनको देना चाहता हूँ। और उसमें भी वो लड़ाई झगड़ा कर रही है और किसी को घर में नहीं घुसने दे रही है। हाँ, मेरे ऊपर दो बार उनने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के केस लगा दिए, और तो कोई पुलिस के पास है ही नहीं, यही धारा है उनके पास, तो लगा देती है चाहे।